प्रॉब्लम ना गोप्रो में ही है, कभी कभी रिकॉर्ड हो रहा है साउंड, कभी कभी नहीं हो रहा है। हम सोच रहे थे मीडियम मोड में प्रॉब्लम होगा तो ज़्यादा बड़ा चूना नहीं लगेगा, लेकिन अब मेरा भारी बड़ा वाला चूना लगने वाला है। देखो भाई, अब उस फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है, हम तो बोले जा रहे हैं उस पर हुआ था, इस पर नहीं हो रहा होगा, या फिर इस पर हो रहा होगा उस पर नहीं हुआ होगा, या फिर दोनों में हो रहा होगा, भाई कुछ भी हो सकता है। फिर जब ये गोप्रो वगैरह सब खराब हो जाता है ना, तो दुख दिल दर्द यहाँ पे छाती पे होता है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा साम्यता दिखा देते भाई, यहाँ दर्द होता है यहाँ। आज हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, देखो जेवियर कॉलेज के गेट के पास से। जेवियर कॉलेज हम यहाँ पे इसलिए आए थे ना क्योंकि मेरा पार्सल आया हुआ था और ना हम एड्रेस चेंज करना भूल गए थे, और मेरे को याद ही नहीं था कि भाई हम दूसरा जगह रहते हैं, मतलब याद था लेकिन हम भूल गए थे कि जेवियर कॉलेज ही दिया हुआ है, तो करंट एड्रेस पे ही मंगा लिए थे जो पुराना एड्रेस था। तो कोई ना, पार्सल अब पिकअप कर लिए, अब चलो निकलते हैं राइड पे। देन हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आई होप अच्छा आवाज़ आ रहा होगा। अभी मैं फिर से गोप्रो कनेक्ट करूँगा अपने मोबाइल से, फिर चेक करूँगा, अभी जितना बोलना है बोल लेता हूँ। और ये देखो अल्बर्ट का चौक, और आज बहुत ज़्यादा फोर्स लगा हुआ है क्योंकि आज है मुहर्रम, तो हैप्पी मुहर्रम सब, उनको नाचो गाओ इन्जॉय करो। हमारा इन्जॉयमेंट यही है कि हम राइड पे निकलते हैं और हमें राइड पे ही मज़ा आता है। तो चलो फिर यहाँ पे रुकते हैं और करते हैं साउंड टेस्ट, वरना फिर पूरा ब्लॉग बर्बाद हो जाएगा, बेकार है, मेहनत चला जाएगा ना। बस यहाँ पे ठीक है, थोड़ा कम सुनाई देता है आज, हेडमास्टर नहीं पढ़ने गए ना तो हल्का ऐसा तो सुनाई देगा, लेकिन भी और कुछ कुछ सर्विस वगैरह सब चेंज करके देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। इससे बहुत अधिक आवाज़ बोलिएगा तो भी तो मज़ा नहीं आएगा ना, साउंड पोल्यूशन नहीं होना चाहिए किसी भी जगह, कान को खुशी मिलना चाहिए, कान को सुख मिलना चाहिए। और खोल के माउंट करते हैं अच्छा से, अभी आवाज़ आ रहा होगा शायद। हेलो भाई, अभी हम रास्ते में चल रहे थे तो अचानक से मुझे मोटो भी मिल गया, वो भी लोग कर रहे हैं चल रहा था, हम लोग तस्वीर वगैरह पर माइक का कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था, तो अंदर कुछ करने में कुछ आवाज़ नहीं आ रहा, राशि हम लोग किए और घर गए, उसको बहुत सारा किए कुछ हुआ, तो हम जब घर जाकर चेक करें तो उस पर कुछ कुछ क्लिप में अच्छा से वॉइस आ रहा है, कुछ कुछ क्लिप में वॉइस नहीं आ रहा है। तो जब मोटो बॉय मिला, ये भी अपना माइक चेक करने निकला है, साउंड चेक करने निकला है, तो हम ही सोचे क्यों ना चेक कर ही लेते हैं, क्योंकि हम अपना गोप्रो ही यूज़ कर रहे हैं और अपना माइक यूज़ कर रहे हैं, बस जो एडेप्टर है ना वो हम मोटो बॉय का यूज़ कर रहे हैं, उसके भी देखेंगे बार बार क्लिप को, बार बार क्लिप शूट करेंगे, अलग अलग क्लिप शूट करके चेक करेंगे क्या सीन है। और मोटो बॉय मेरा गोप्रो यूज़ कर रहा है, कैमरा शूट किया है, माइक भी शूट किया है, और ये टेक क्यों है इतना जो रिएक्शन कर रहे हैं कि भाई किस चीज़ की प्रॉब्लम है, माइक का प्रॉब्लम है, दूसरों की प्रॉब्लम है, या फिर मुझे मालूम प्रॉब्लम है, ये चेक करना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं पता चलेगा तो पैसे खर्च होंगे, खराब है कैमरा, खराब है वीडियो मोड, खराब है दूसरे खराब है, मुझे कुछ खराब है ये तो पता है, बस क्या खराब है वो नहीं पता है, चेक कर रहे हैं भाई, चाहिए। देखो भाई, मेरा प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम ना गोप्रो में ही है, कभी कभी रिकॉर्ड हो रहा है साउंड, कभी कभी नहीं हो रहा है। हम सोच रहे थे मीडियम मोड में प्रॉब्लम होगा तो ज़्यादा बड़ा चूना नहीं लगेगा, लेकिन अब मेरा भारी बड़ा वाला चूना लगने वाला है, लगने वाला है क्या, लग गया भाई साहब। और फिर हम रेगुलर हो पाएंगे नहीं पाएंगे भाई, क्यों होता है यार ऐसा, क्यों
और अभी देखो बारिश भी हो रही है इधर यार। ये सब ना बहुत गलत लगता है यार। बारिश बस खत्म हो जाए, ज्यादा और बारिश नहीं, बस यहीं तक था। देखो पूरा बादल साफ है इधर, अब हल्का हल्का नीचे गिरा रहा है बारिश। देखो भाई अब उस फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है, हम तो बोले जा रहे हैं उस पे हुआ था, इस पे नहीं हो रहा होगा, या फिर इस पे हो रहा होगा उस पे नहीं हुआ होगा, या फिर दोनों में हो रहा होगा, भाई कुछ भी हो सकता है, वही तो दिक्कत है। इधर मोटो वो इंतजार कर रहे हैं, चेक कर रहे थे, वही चेक कर रहे थे, आवाज रिकॉर्ड हो रहा है ना, अभी तो हुआ हो रहा है। हाँ मतलब वही दिक्कत है, हो रहा है कभी नहीं हो रहा है कभी, अभी चेक करते हैं घर जाते तक में कितना रिकॉर्ड होता है और सब पता चल जाएगा। कैसा लग रहा है बोलो? अच्छा ऐसा लग रहा है ना इंस्टा 360 के रिकॉर्ड होता है, हल्का वैसे फील दे रहा है। हाँ ज़्यादा वाइट डार रहा है। हम लोग दोनों आज अपना अपना चेक कर रहे हैं, नहीं नहीं ज़्यादा डार्क नहीं जाना है, मतलब अपना अपना माइक का कैमरा का क्वालिटी वगैरह सब चेक कर रहे हैं। हम तो भाई चेक कर लिए, दुख है दर्द है, कभी कभी रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो, कभी कभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। और इधर से जस्ट चेक करो सीन यार, क्या ही नज़ारे दिखते हैं भाई, देख रहे हो भाई पूरा जो यहाँ से सीन है ना वो मस्त दिखता है, क्योंकि ये ऊंचा स्थान है, उधर जो पहाड़ दिख रहा है और पहाड़ के नीचे एक शहर बसा हुआ ऐसा लग रहा है भाई, क्या ही सुंदर 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 ये नज़ारा, बड़ा सुंदर सुंदर। आवाज़ बस सच रिकॉर्ड हो, हम यही जा रहे हैं। अच्छा अच्छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा रिकॉर्ड होता है, इतना मेहनत करते हैं और फिर जब ये गोप्रो वगैरह सब ख़राब हो जाता है ना तो दुख दिल दर्द यहाँ पे छाती पे होता है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा सामर्थ्य दिखा देते भाई, यहाँ दर्द होता है यहाँ, क्या ही करें। इतने साल से यूट्यूब में है और पेमेंट का भी सब लोग पूछते हैं तो उस पर फिर दर्द होता है हल्का सा, क्या करेंगे अंदर तक चुभता है भाई, ऊपर से ये गोप्रो प्रॉब्लम। उस दिन हम ओगी से मिले थे, वो बोला था राइड में चलो हम लोग के साथ, तो भाई हम रेडी हो गए हम चलने के लिए, लेकिन अब ये प्रॉब्लम, दुख दर्द पीड़ा क्यों ख़त्म नहीं होती बे, इतना ज़्यादा मेहनत करो, तेल डालो, समय दो, फिर कुछ ना होना तो एक बार के लिए टूट जाते हैं, और अभी तो फिर से हम टूट जा रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को, टूट जाएंगे, क्योंकि अब तो गोप्रो ही जो मेन है मोटो व्लॉगिंग का जो मेन सेटअप है वही ख़राब हो गया, अपना कैमरा गोप्रो ख़राब हो गया। तो ये चलाने लायक है, हम इसको चला सकते हैं, व्लॉग कर सकते हैं इसे भी, लेकिन सब जगह ये नहीं होगा, रिकॉर्ड होगा सब जगह लेकिन ऑडियो सब जगह रिकॉर्ड नहीं होगा, और ऑडियो सब जगह रिकॉर्ड नहीं होगा तो ऐसा में दिक्कत हो जाएगा मेरे को, क्योंकि अच्छा अच्छा फुटेज जब रहेगा उससे पे रिकॉर्ड नहीं होगा और उस पर ऑडियो अच्छा से आएगा नहीं, तो आप लोगों को भी वो देखने में मज़ा नहीं आएगा, फिर बोलोगे ये क्या क्रिंज कॉन्टेंट है भाई, और वो हम अपना व्लॉग क्रिंज नहीं बनाना चाहते हैं। उससे बेहतर ये रहेगा कि हम कुछ दिन ब्रेक ले लेंगे अपना नया गोप्रो आने तक, लेकिन हम क्रिंज नहीं करेंगे, वैसे पहले से ही है हल्का हल्का क्रिंज लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी बाइक में भी प्रॉब्लम है भाई, मोटो ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है जब तक तुम्हारे पॉकेट में बहुत सारे पैसे नहीं हैं, पैसे तुम्हारे पॉकेट में हैं तभी तुम मोटो ब्लॉग करो, क्योंकि तब आप पैसा उस पर अच्छी तरह से ज़्यादा लगा पाओगे और सब कुछ अच्छे अच्छे कर पाओगे। और यहाँ स्लिप जाता है पतरातू और राइट जाता है काके, तो हम सोच रहे हैं काके तरफ से मुड़ जाए। अब यहाँ से हम अनिल भेज लेते हैं अलविदा, तो ब्लॉग करने वाला दोस्त रहने से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अपना तो है नहीं, जो हम अपने ग्रुप में जब ब्लॉग करते हैं तो खुद अकेले ब्लॉग करते हैं तो उस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता नहीं है। उस दिन हम ओगी से मिले, वो मेरे को कुछ कुछ बताया, अभी मोटो भाई मेरे को कुछ कुछ बताया, तो कुछ कुछ आइडिया सब आते जाता है, उसी से होता है फ़ायदा। और इधर अब मेरे को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हम भारी जाम में फंसने वाले हैं। उधर हम पहले रथ यात्रा देखे, घुरती रथ बोले जिसको बोलते हैं रातू में, उसको हम स्टोरी में डाल दी इंस्टा, और इधर देख रहे हैं मुहर्रम। भाई मेरे को ना उधर ही चल जाना था, अब बहुत लेट होने वाला है मेरा।
जाम में फंसो, जाम में। चलो ज़्यादा नहीं फंसना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। देखो अब गली गली का यूज़ करना पड़ेगा जाने के लिए। तो हम लोग ना इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप साउंड अच्छा से आ रहा होगा और जितना भी हम रिकॉर्ड किए वो भी अच्छे से फुटेज रिकॉर्ड हुआ होगा, साउंड अच्छे से रिकॉर्ड हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक खाते पीते रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। लव यू देन, टाटा बाय बाय।